हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2, ठीक है ना। तो 1.1 हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर के आप प्रीवियस एक्सरसाइज को भी ज़रूर देखें। तो देखिए 1.2 में जो इसके क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन में ही मैं आपको इसके कॉन्सेप्ट्स भी बता दूंगा, जिससे आपके कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन दोनों क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। अब जैसे कि इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। बोल रहा है हर एक नंबर को उसके प्राइम फैक्टर की टर्म्स में एक्सप्रेस करो, मतलब कि जब आप इसको तोड़ोगे तो प्राइम नंबर्स ही आने चाहिए। तो कैसे करेंगे इसको, जैसे पहला नंबर है 140, तो आपको क्या करना है, 140 के प्राइम फैक्टर लिखने हैं। तो इसका एलसीएम लो, 2 के टेबल में कितना आता है 70, 2 के टेबल में कितना आता है 35, 5 के टेबल में कितना आता है 7, 7 के टेबल में आता है 1। तो देखो भाई, यहाँ पर 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है। तो 140 को अगर प्राइम फैक्टर में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे आप 140 को, 2255। लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखना, आप अगर कोई प्राइम नंबर सेम है तो आप इसको लिख दोगे 2 की पावर 2 × 5 × 7, इस तरीके से। तो 140 प्राइम नंबर्स में आ गए। प्राइम नंबर क्या होता है, जो खुद के टेबल में आएगा या वन के टेबल में आएगा, जिसको आप फर्दर नहीं तोड़ सकते। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते 4 × 5 × 7, ये गलत है, क्योंकि 4 फर्दर टूट रहा है 2 2 में, इसलिए इसलिए आपको इसको प्राइम फैक्टर में लिखने को बोला है। आप देखो 2 है 5 है 7 है, ये आगे टूट ही नहीं सकते। तो 140 को लिख दिया एज अ प्राइम फैक्टर। अगला नंबर है 156, सेकेंड वन इज 156, तो इसके फैक्टर करते हैं। 2 के टेबल में आएगा 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 के टेबल में आएगा 39, 3 के टेबल में आएगा 13, 13 के टेबल में आएगा ये फिर 1। तो इसमें भी क्या हो गया, 2 × 2 × 3 × 13। देख लो भाई, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है, लेकिन इसको क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 2 × 2 × 3 × 13। तीसरा भी हो गया, सेकेंड भी हो गया। अब थर्ड जो नंबर है वो मेरा है 3825, तो थर्ड नंबर इज 3825, 3825, इसको प्राइम फैक्टर में लिखते हैं। तो सबसे पहले देखो भाई, 2 से जाने रहा है, 3 से जाएगा ये, 3 1 ज़ा 3 बचा, 3 2 ज़ा 6 बचा, 2 2 22, 3 7 ज़ा 21, 1 और 5 15, 3 5 ज़ा 15। फिर 3 के टेबल में जाएगा, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 1 5, 3 5 ज़ा 15। अब ये 5 के टेबल में जाएगा, 5 8 ज़ा 40, 5 5 ज़ा 25। फिर 5 के टेबल में जाएगा 17 पर, 17 पे जाएगा 1 पर, क्योंकि 17 प्राइम नंबर होता है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 17 भी प्राइम नंबर है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 3 × 3 5 × 5 × 17, लेकिन आप इसको लिखो 3 की पावर 2 × 5 की पावर 2 × 17, ये होगा इसके प्राइम फैक्टर। अगला नंबर है 5005, 5005, इसको भी करते हैं। 5005 को लिखेंगे प्राइम फैक्टर में। तो पहले तो ये भैया 5 पे ही जाएगा, तो ये आएगा 1001। अब देखो ये नंबर 3 के टेबल में तो नहीं आ रहा है ना, 5 पे 6 पर, ये जाएगा 7 पर। तो ये कितना हो जाएगा, 7 1 ज़ा 7 बचा 3 3 0 30, तो 7 4 ज़ा 28, 2 1, फिर 7 3 ज़ा 21। अब ये जाएगा 11 पर, 11 के टेबल में 143, 11 1 ज़ा 11 बचा 3 3 3 33, 3 पर। तो 5 7 11 13 सारे प्राइम नंबर हैं, तो 5 7 11 और 13, इसमें कोई रिपीट तो कर नहीं रहा, तो इसको तो यहीं छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज नंबर, लास्ट वन इज 7429, तो लास्ट नंबर है हमारा 7429। देखो भाई, ये जब आप इसके प्राइम फैक्टर करोगे ना, तो ये नंबर 2 पर, 3 पर, 3 पर नहीं जा रहा है, 7 4 11 और 2 13 और 9, 7 4 11 और 2 13, 13 और 9 कितना होता है हमारा, 22 होता है, नहीं जा रहा है। 3 पर 5 पर ये नंबर, देखो भाई ये नंबर जाएगा सीधा 17 पर, लेकिन किस पर जाएगा वो देखना पड़ेगा कि ना। 7429 को ज़रा 17 से डिवाइड करते हैं, 17 4 ज़ा होता है 68, 62 बचा, 17 3 ज़ा होता है 51,
बचा 11 और 17 सेवन्स होता है, 437 पे जाएगा। 17 437 बचा, ठीक है भाई, 119 ये कट हो गया। अब ये जाएगा 19 पर, 19 के टेबल में ये आता है 23 पर, फिर 23 के टेबल से जाएगा 1 पर, तो 17 19 और 23 इसके प्राइम फैक्टर हो गए। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि यार भाई इतने बड़े नंबर हमें कैसे पता चलेंगे, ये तो बहुत ही आगे का टेबल है। तो भाई यार देखो, इसकी तो कोई ट्रिक है नहीं, ट्रिक होती मैं आपको ज़रूर बताता, ये आपको खुद ही सोचना पड़ेगा कि कौन से टेबल पर ये जा रहा है, ठीक है ना। तो ये सिंपली इसके फैक्टर है 17 × 19 × 13। तो पहला क्वेश्चन ये था, सिर्फ फैक्टर बनाने थे बस। अब सेकंड पे आते हैं, सेकंड में बोल रहा है कि बोल रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी की जगह वो ऐसे भी लिख सकता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। देखो भाई इसमें बोल रहा है कि ये जो आपको पेयर दे रखे हैं 26 और 91, बोल रहा है इनका एचसीएफ भी निकालो और एलसीएम भी निकालो। उसके बाद ये प्रॉपर्टी जो उन्होंने लिखी हुई है एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू होगा दोनों नंबर का प्रोडक्ट। यहाँ पर दोनों नंबर कौन है, 26 और 91। देखो भाई प्रीवियस वीडियो में हमने निकालना सीखा था यूक्लिड से एचसीएफ, यहाँ पर क्या है वो HCF LCM दोनों निकलवा रहा है। तो याद रखना HCF और LCM दोनों निकालने का जो मेथड का नाम है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, या फिर आप इसको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक भी कह सकते हो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इस मेथड से हम किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में HCF भी निकाल पाते हैं और LCM भी निकाल पाते हैं। कैसे निकालते हैं वो बता रहा हूँ। जैसे पहला नंबर दे रखा है आपको 26, आप इसके फैक्टर करो, फैक्टर होगा 2 × 13। आपको याद रखना है फिर से वही बात, आपको प्राइम फैक्टर में लिखना है। तो दो भी प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है। अब 91 के लिखो, 91 का होगा 7 × 13, है ना। जब 91 को 7 से करूँगा 13 पर आता है, तो 7 × 13 हो गया। अब आपको बताना है इन दोनों के बीच का HCF। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहला तरीका क्या होगा आपका, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, जो भी आपको दो नंबर दे रखे हैं आपको उनके प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में बनाना सीखा। प्राइम फैक्टर जब आप बना लोगे फिर आपको निकालना होता है सबसे पहला स्टेप HCF। अब HCF क्या होता है, HCF होता है कि आपको देखना है दोनों में कॉमन क्या है। तो आप देखोगे दोनों नंबर में जो कॉमन है ना वो 13 है। तो याद रखना जो कॉमन नंबर होगा वही होगा इन दोनों के बीच का HCF। जो कॉमन नंबर है, यहाँ पे 13 की पावर 1 है, यहाँ पर भी 13 की पावर 1 है, तो कॉमन क्या हुआ 13, वो लिख दिया हमने। फिर उसके बाद अगर LCM की बात करें, LCM में क्या होता है आपको जो जो नंबर दिख रहे हैं, जो जो प्राइम नंबर दिख रहे हैं आपको सब लिखने हैं, समझ में आया आपको। HCF क्या होता है, दोनों नंबर में कॉमन आ गया। LCM क्या होता है, जो जो नंबर आपको दिख रहे हैं प्राइम नंबर वो सब लिख दो। जैसे 2 दिख रहा है 2 लिख दिया, 7 दिख रहा है 7 लिख दिया, लेकिन कॉमन में याद रखना कॉमन एक ही बार आएगा 13, समझ में आया आपको। 2 लिखा 7 लिखा, लेकिन जो कॉमन है वो एक ही बार लिखना है, दो बार नहीं लिखना है। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 14 × 13, ये हो गया 14। तो ये करूँगा 13 × 4 = 52, 13 × 1 = 13 और 5 = 18, 182 हो गया इसका LCM। तो HCF क्या होता है कॉमन, और LCM क्या होता है जो जो प्राइम नंबर आपको दिख रहे हैं लिखो कॉमन एक बार और मल्टीप्लाई कर दो 182। तो इसका 26 और 91 का जो HCF है वो 13 है और LCM जो है वो 182 है। अब वो क्या बोल रहा था कि इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करके दिखाओ, LCM into HCF A cross B होगा, HCF into LCM A cross B। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी दो नंबर का आप HCF LCM निकालते हो तो ये प्रॉपर्टी वेरीफाई होती ही होती है। जैसे मैं इसको आपको वेरीफाई करके दिखाता हूँ, HCF कितना था 13, LCM कितना है 182, ठीक है भाई। और ये जो A और B है ना, ये नंबर्स होते हैं, नंबर कौन कौन से थे, 26 और 91 थे ना,
26 और 90 बनते हैं। तो आप किसी को भी ए किसी को भी बी मान सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो प्रॉपर्टी क्या है, एच सी एफ पुट कर दिया है, एल सी एम पुट कर दिया है, दोनों नंबर है, पहला नंबर 26 और दूसरा नंबर 91। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 26 इंटू 91 तो ये आएगा 2366, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तब भी आएगा 2366, यानी कि ये प्रॉपर्टी क्या हो गई, वेरीफाई। ठीक है ना, तो आपको करना क्या है, एच सी एफ और एल सी एम को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रहा है, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रहा है, वो दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल, यानी कि ये प्रॉपर्टी वेरीफाई होगी ही होगी। ठीक है ना, एच सी एफ इंटू एल सी एम एक्रॉस भी। एक और करते हैं, अब है 510 और 92, सेकंड है 510 और 92। तो पहले मैंने बोला है, पहले आपको क्या करना है, इसके फैक्टर्स निकालने हैं। 510 की निकालता हूँ तो 2 के टेबल से करूँगा तो ये आएगा 2 पे, फिर 11 हो गया, 2 5 10 और 2 5 10, फिर ये 5 पर करना पड़ेगा, या आप 3 पर भी कर सकते हो, पहले 3 पर जा रहा है तो ये हो जाएगा 3 8 24, 3 5 15, फिर 5 पे करोगे तो 17 आएगा, 17 पे करोगे तो 1 आएगा। तो क्या हो गया, 2 × 3 × 5 × 17, ये हो गए इसके फैक्टर। अब 92 क्या करते हैं, 2 के टेबल में जाता है 46 पर, 2 के टेबल में जाता है 23 पर, अब ये 23 के टेबल में जाएगा, तो क्या लिखूंगा, 2 × 2 × 23, लेकिन क्या लिखूंगा, 2 की पावर 2, ये 2 2 था ना, तो 2 की पावर 2 × 23 लिख दिया। आप समझो एच सी एफ क्या होगा, एच सी एफ होगा दोनों में जो नंबर कॉमन है। आप देखो दोनों में क्या कॉमन है, आपको दिख रहा है दोनों में 2 कॉमन है, लेकिन अब ना एक दिक्कत हो गई है, यहाँ पर 2 की पावर 1 है, यहाँ पर 2 की पावर 2 है। देखो यहाँ पर ऐसा कोई कलेश नहीं था, यहाँ पर 13 13 था, कॉमन लिख दिया, 13 खत्म, दोनों की पावर सेम थी तो वही लिख दिया था, लेकिन यहाँ पर देखो पावर अलग अलग हो गई है, भले ही नंबर कॉमन है, दोनों में 2 कॉमन है, लेकिन पावर 1 की 1 है, 1 की 2 है। तो याद रखना एच सी एफ में आता तो कॉमन नंबर ही है, लेकिन छोटी पावर वाला, याद रखना, जैसे 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, तो दोनों में जो छोटी पावर है 2 की पावर 1, तो इसका एच सी एफ होगा 2 की पावर 1, यानी कि 2। समझ में आया आपको। और एल सी एम की अगर मैं बात करूं, अब एल सी एम में क्या होगा, जो भी नंबर आपको दिख रहे हैं, जो भी नंबर दिख रहे हैं वो सब लिखने हैं आपको यहां पर, लेकिन याद रखना जैसे 2 है, 2 कॉमन है ना दोनों में, तो अब क्या करना है, एलसीएम में आपको लिखना है 2 की बड़ी पावर, जैसे 2 और 2, यहां पर 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, तो एलसीएम में क्या लिखना है, बड़ी पावर, तो 2 की पावर 2 इंटू में 3 है, 3 लिख दो, 5 है, 5 लिख दो, 17 है, 17 लिख दो, 23 है, 23 लिख दो, बस। समझ में आया आपको, अगर आपको एच सी एफ निकालना है, आपको देखना है दोनों में कॉमन नंबर कौन से, जो कॉमन नंबर ढूंढ लिया आपने 2 था, छोटी पावर एच सी एफ होगा 2 की पावर 1, लेकिन एल सी एम में क्या है, आपको सारे नंबर लिखने हैं, लेकिन जो कॉमन नंबर है उनकी जो बड़ी पावर है वो लिखना है, 2 की पावर 1 था, 2 की पावर 2 था, 2 की पावर 2 आएगा, बाकी 3 5 17 23 सेम टू सेम। तो एच सी एफ तो 2 आ गया, और इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 23,460। ये हो गया इसका क्या, एल सी एम। अब प्रॉपर्टी वेरीफाई करके दिखाता हूँ आपको कि एच सी एफ इंटू एल सी एम क्या होगा, ए क्रॉस बी, दोनों नंबर का प्रोडक्ट। एच सी एफ कितना आया, 2, एल सी एम कितना आया, 23,460, ए कितना था, 510, बी कितना है, 92, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है 46920। 2 को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 46920, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तब भी आएगा 46920, तो दोनों ही बिल्कुल क्या है, सेम। तो प्रॉपर्टी क्या हो गई, वेरीफाई। अब इसके थर्ड पार्ट पे आते हैं, थर्ड पार्ट है 336 एंड 54, देख लो भाई, 336 और 54, तो 336 और 54, तो 336 के पहले फैक्टर करते हैं, 2 के टेबल में आएगा, 2 1 2 बचा, 1 और 3 13, 2 6 12, 1 और 6 2 8 16, फिर 2 के टेबल में आएगा 84, फिर 2 के टेबल में आएगा 42, फिर 2 के टेबल में आएगा 21, फिर 3 के टेबल में आएगा 7, फिर 7 के टेबल में आएगा 1, तो कितना हो गया, 2 2 2 2, 2 की पावर 4 आ गई, इंटू 3
इंटू सेवन, ये हो गए इसके प्राइम फैक्टर, दो चार बार आ रहे ना, तो लिखा 2 की पावर 4, 3 7। अब 54 का करते हैं, 2 के टेबल में 27 पर, 3 के टेबल में 9 पर, 3 के टेबल में 3 पर, 3 के टेबल में 1 पर, तो क्या लिखूंगा, 2 इंटू 3 की पावर 3। भाई तीन तीन बार आ रहा है तो लिख दिया 2 इंटू 3 की पावर 3। अब दोनों का जो एच सी एफ है आपको देखना है, दोनों में कॉमन नंबर कौन कौन से हैं, आपको आपने देखा 2 कॉमन है, लेकिन एच सी एफ लिख रहे हैं हम, दोनों में 2 कॉमन है तो छोटी पावर का है, छोटी पावर ये रही, तो लिखूंगा 2 की पावर 1 इंटू में। अब एक और कॉमन है, अभी तो 3 भी कॉमन है, लेकिन छोटी पावर का है 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 2 होता है, 3 की पावर 1 3 होता है, 2 3 का कितना हो गया। तो आपको सारे के सारे जितने भी कॉमन नंबर है वो लिखने हैं, लेकिन याद रखना एच सी एफ में छोटी पावर, एच सी एफ में छोटी पावर लेनी है। 2 कॉमन था, 1 की 4 पावर है, 1 की 1, तो 1 वाला लेना है। 3 कॉमन था, 1 की 1 पावर है, 1 की 3, तो छोटी पावर वाला लेना है। और एल सी एम में क्या होगा, एल सी एम में सारे नंबर लिखने हैं, सारे नंबर 2 3 7, 3 तरीके के नंबर हैं, 2 3 7, लेकिन जो कॉमन है वो बड़ी पावर, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 1 है। अब एल सी एम में बड़ी पावर लिखनी है, 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 3 है, तो 3 की पावर 3 लिखनी है, और 7 तो 1 ही है, तो 2 की पावर 4 होता है 16, 3 की पावर 3 होता है 27 इंटू 7। इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 16 इंटू 27 इंटू 7, तो ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको, पहले 16 इंटू 27 करता हूँ, तो 6 7 होता है 42, 6 2 12 और 4 16, 1 7 7 और 2, तो ये हो गया 2, 7 और 6 13, 2 3 और 1 432, 432 को 7 से कर दो, 7 2 14, 7 3 21 और 22, 7 4 28 और 3024 आ गया, तो LCM हो गया 3024। प्रॉपर्टी वेरीफाई करते हैं, एच सी एफ इंटू एल सी एम क्या होता है, ए क्रॉस बी। भैया आपको ये वेरीफाई करना सिखा रहा हूँ, लेकिन याद रखना ये प्रॉपर्टी है, एच सी एफ इंटू एल सी एम ए क्रॉस बी होता है, इसका आगे अभी यूज़ करेंगे हम, ठीक है। जब भी दो नंबर के बीच में आप एच सी एफ एल सी एम निकाल रहे हो तो ये प्रॉपर्टी वेरीफाई होगी ज़रूर, याद भी रखनी है आपको। तो एच सी एफ कितना आया 6, एल सी एम कितना आया 3024, उसके बाद ए कितना था 336 और बी कितना है 54, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आएगा 18144, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आएगा 18144, दोनों ही इक्वल हैं तो प्रॉपर्टी क्या हो गई, वेरीफाई, ठीक है भाई। तो इस तरीके से ये होता है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें आप एच सी एफ और एल सी एम दोनों निकालना सीखते हो। याद रखना फिर से बता रहा हूँ, एच सी एफ कॉमन छोटी पावर, एल सी एम कॉमन, एल सी एम में सारे नंबर लिखने हैं लेकिन कॉमन में बड़ी पावर, बस इतना याद रखना है। देखो भाई थर्ड में अब क्या आ गया, 3 नंबर आ गए, कोई दिक्कत नहीं, 3 आया 4 आया 120 आ जाए, हमें लेन देना। बोल रहा है कि फाइंड करो एल सी एम एच सी एफ इन तीनों नंबर का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है भाई। अब पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21, ठीक है भाई। तो 12 के फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। 15 का होगा 3 इंटू 5, 21 का होगा 3 इंटू 7। अब याद रखना एच सी एफ क्या होगा, एच सी एफ होगा तीनों में जो कॉमन है, अब तीनों में देखना होगा आपको, तीनों में क्या कॉमन है, 3 3 3, तो 3 की पावर 1। अब देख लो इसमें पावर वेरिएशन है ही नहीं, सबकी पावर एक है, तो वही का वही लिख दो एज इट इज, इसमें कुछ आपको छोटा बड़ा नहीं देखना है। और एल सी एम में क्या होगा, जो जो नंबर दिख रहे हैं सब लिखो, 2 की पावर 2 है लिख दो, 3 है लिख दो, यहाँ पे देखो 3 की पावर में वेरिएशन ही नहीं है तो 3 ही लिखना पड़ेगा। अगर मान लो यहाँ पे 3 की पावर 1 होता, 3 की पावर 2 होता, 3 की पावर 3 होता, तो सबसे बड़ी पावर लिखते, फिर लिखते सबसे बड़ी पावर 3 की पावर 3, लेकिन पावर में वेरिएशन ही नहीं है, 1 1 1 है, तो वही का वही आएगा। 2 लिख दिया 5, 3 लिख दिया 5, लिख दो 7 लिख दो, तो 2 की पावर 2 क्या होगा, 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, तो ये होगा 12, ये होगा 35, 12 5 होगा 60, 12 3 36 और 6 42, तो इसका एलसीएम आएगा 420। अगले 3 लेते हैं 17 23 और 29, 17 का तो भैया फैक्टर होता नहीं, 1 इंटू 17 होगा, 23 का फैक्टर होता नहीं, 1 इंटू 23 होगा, 29 का फैक्टर होता नहीं, 1 इंटू 29 होगा, तो जो इसका एच सी एफ है 1 कॉमन है भैया तीनों में। याद रखना कुछ कॉमन नहीं आया तो 1 तो कॉमन आएगा ही, कई बच्चे 0 लिख देते हैं कि भैया कॉमन तो आ ही नहीं था, 0 लिख दो, 0 नहीं 1 लिखना है आपको,
कुछ कॉमन नहीं हुआ तो वन तो कॉमन होगा ही। और एलसीएम में क्या होगा, तीनों को 17 दिख रहा है, 23 दिख रहा है, 29 दिख रहा है, तीनों को मल्टीप्लाई करना है बस, और इन तीनों को इंटू करके आएगा 1133। तो ये होगा इसका एलसीएम। लास्ट नंबर है 8, 9 और 25। तो थर्ड पार्ट है इसका 8। 8 का फैक्टर होगा 2 × 2 × 2, मतलब 2 का क्यूब। 9 का फैक्टर होगा 3 × 3, मतलब 3 का स्क्वायर। 25 का फैक्टर होगा 5 × 5, मतलब 5 का स्क्वायर। क्या भैया आपको एचसीएफ निकालना है? क्या आपको तीनों में कोई कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा, 2 है 3 है 5, कुछ भी नहीं कॉमन नहीं है। तो कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 तो कॉमन हो गई। और एलसीएम में क्या करो, सारे नंबर लिख दो, 2 की पावर भी लिख दो, 3 की पावर भी लिख दो, 5 की पावर भी लिख दो, सब लिख दो एज इट इज। 8 × 9 × 25 मल्टीप्लाई करके आएगा 1800। तो इसका एलसीएम होगा 1800। ठीक है भाई, सिंपल सा था। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बोल रहा है गिवन दैट एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर्स इज 9। आपको एचसीएफ दिया हुआ है दो नंबर का 9, आपको बोल रहा है एलसीएम बताओ इन्हीं दोनों नंबर का। तो भाई अगर आपको याद हो, अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी कि एचसीएफ इनटू एलसीएम ए क्रॉस बी होता है। ये प्रॉपर्टी देखो, वेरीफाई करवाई, प्रॉपर्टी वैलिड है। जब भी आप दो नंबर के बीच में एचसीएफ एलसीएम निकाल रहे हो तो ये प्रॉपर्टी लगेगी ही लगेगी, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसमें टोटल 4 चीजें, एचसीएफ एलसीएम ए बी। आपको क्या करेगा, एचसीएफ दे देगा, दोनों नंबर दे देगा, बोलेगा एलसीएम बताओ। या एलसीएम दे देगा, दोनों नंबर दे देगा, बोलेगा एचसीएफ बताओ। या आपको एचसीएफ एलसीएम दे देगा, एक नंबर देगा, बोलेगा दूसरा नंबर बताओ। तो कहने का मतलब क्या है कि 4 में से 3 चीजें आपको दी होंगी, एक निकालनी होगी। अब यहां पर देखो क्या है, एचसीएफ गिवन है 9, एलसीएम निकालना है, ठीक है भाई। अब ये दो नंबर कौन से हैं भाई, जिन दोनों के बीच में एचसीएफ निकला है यही दोनों तो नंबर होंगे ए और बी। जिन दो नंबर का एचसीएफ है 9, तो वही तो ए और बी हैं। तो 306 × 657, तो एलसीएम क्या होगा, 9 मल्टीप्लाई और नीचे जाकर डिवाइड कर दो। तो डिवाइड जब करा 9 के टेबल में 306 आता है 34 पर। इन दोनों को जब इंटू करा, इन दोनों को इंटू करा 34 × 657 को, तो आंसर आएगा 2238। तो ये होगा हमारा एलसीएम। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में 4 क्वेश्चन ही करवाऊंगा, आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर कोई भी पार्ट वीडियो में कोई भी दिक्कत लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए बने रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।